डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हम कल क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी क्यूब्स क्या होते हैं। अब देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है पावर थ्री। क्यूब का मीनिंग क्या होता है, पावर थ्री। अब जैसे ये हमने लिखा है 1 क्यूब, मतलब मीनिंग रहेगा इसका, 1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो पावर थ्री। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया, 1 × 1 × 1। 2 का क्यूब, 2 क्यूब पावर थ्री, 2 टू द पावर 3, यानी 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। तो एक 2 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 × 2, 2 टू द 4 टू द 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। ऐसे ही 3 क्यूब किया था हमने, 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब पावर 3, 27। ठीक है, तो ऐसे ही 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512। तो इस तरह से ये हमने कल क्यूब्स जो है किए थे, यानी क्यूब का मतलब होता है पावर 3, या किसी नंबर को हम उस नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो हमारे पास पावर 3 आ जाती है, तो क्यूब आ जाता है, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं उसको। जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो 8 आ गया, ये 8 परफेक्ट क्यूब है। 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो 27 आ गया, ये भी परफेक्ट क्यूब है। 64, 125, 6, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, तो ये सभी क्या हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। क्या हैं ये सभी, परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब आता है हमारे पास क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल है। क्या मीनिंग है, पावर 1/3। क्या मीनिंग है, पावर 1/3। तो इसको देखिए, पावर थ्री तो ऐसे लिखते हैं हम, और पावर 1/3 हम क्या लिखेंगे ऐसे, और इसको डिनोट हम करते हैं इसके अंदर ऐसे ही, स्क्वायर रूट का साइन डाल के छोटा सा थ्री ऐसे ऊपर लिख देंगे, तो इसका मतलब भी क्यूब रूट है। इसका मीनिंग क्या है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है। ये साइन किसका है, क्यूब रूट का, रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यूब रूट को ऐसे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, क्यूब का मतलब पावर 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। जैसे स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर का मतलब पावर 2, और स्क्वेयर रूट का मतलब पावर 1/2, ऐसे ही क्यूब का मतलब पावर 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो अब देखिए, हमने क्यूब किए थे, 1 का क्यूब क्या किया था हमने, 1, या 2 का क्यूब क्या किया था हमने, 8 किया था। तो जब हम 8 का क्यूब रूट लेंगे ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2। कैसे होगा वो देखिए, अब 8 है, 8 को के प्राइम फैक्टर करो, 2 × 2 × 2, ऐसे होता है, ट्रिपलेट बन गया। 3 ट्रिपलेट में से 1 टर्म जो है, 1 फैक्टर ले लेंगे बाहर, तो ये 8 का क्यूब रूट आ जाएगा। जैसे स्क्वेयर रूट में हमने पेयर लिया था, और क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट देखेंगे। ट्रिपलेट 3 का होता है। ठीक है, तो कोई नंबर 3 टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। तो ऐसे ही जैसे 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब जब हम 27 का क्यूब रूट लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा, देखो 27 के प्राइम फैक्टर कर लिए हमने, 3 × 3 × 3, ऐसे होता है, और उसका क्यूब रूट लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ट्रिपलेट में से ईच 1 फैक्टर जो है बाहर ले लेंगे। टेक 1 फैक्टर आउट ऑफ ईच ट्रिपलेट, आउट ऑफ दिस ट्रिपलेट। तो ये अब जैसे सुनो, कैसे होता है, ये होता कैसे है वो भी बता रहा हूँ। देखो, हमने 27 था ना, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, तो इसका मतलब है पावर 1/3। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 3। ऐसे ही 64, 64 है, 64 का क्यूब रूट लो, 64 किसका क्यूब है, देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 क्यूब लिखो,
और इसको लिखेंगे हम पावर 1/3। पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या आ गया 4, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही मान लो 5 है, 5 का क्यूब हम क्या लेते हैं 125 लेते हैं, और जब हम 125 का क्यूब रूट लेंगे वो क्या आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 5 आ गया। देखिए तो इस तरह से हम ये क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है थ्रो एस्टिमेशन। बस हमें ट्रिपलेट का ध्यान रखना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्रिपलेट, 3 टाइम जो हमें नंबर मिलेगा वो उसका उसको पेयर नहीं कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट में से हम ईच फैक्टर जो है बाहर ले लेते हैं तो वो क्यूब रूट हो जाता है। तो अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज वर्कशीट आती है 2 हमारे पास। वर्कशीट 2 में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए वर्कशीट 2 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5832 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 5832 लिखेंगे, उसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे होता है, फिर 3 पे होता है, ये तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके, ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 से करो देखो, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 पे होता है ये, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 पे होता है, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर अब ये 3 पे होता है डिवाइड, देखो ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 3 4, 1 बच गया, 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, फिर ये 3 पे होता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 पे होता है 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 पे होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 पे होता है ये 9, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 5832 के, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए ये सारे, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे। देयर फॉर 5832 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 टाइम 2 दिया है और 6 टाइम 3 दिया है, ये लिख लिया हमने। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना, हम इसके ट्रिपलेट बना लेंगे, ये ट्रिपलेट बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, 3 3 का ट्रिपलेट बनता है, मैंने बताया था। तो अब इसमें से क्या करेंगे, हम वन फैक्टर बाहर ले लेंगे, जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5832 लेंगे, तो इस ट्रिपलेट में से एक फैक्टर जो है बाहर ले लेंगे, टेक वन फैक्टर आउट ऑफ ईच ट्रिपलेट। तो इसमें से ये 2 ले लिया, इसका क्यूब रूट 3 आ गया, इसका क्यूब रूट 3 आ गया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, दिस 18 विल बी द क्यूब रूट ऑफ 5832, यानी 8 का क्यूब 5832 है, हमने किया था कल, देखो ये है, देखो 18 का क्यूब क्या किया था, 18 का क्यूब 5832, और 5832 का क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। तो इस तरह से ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो 1728 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से 1728 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, 2 पे डिवाइड होता है, यूनिट डिजिट 8 है ना, तो ये 2 पे डिवाइड, 2 8 द 16, 1 बच गया, 2 6 द 12, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 पे होता है ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 पे होता है ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे होता है 2 1 जा 2, 1 बच गया अकेला, तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं जाने के लिए 0 हम लगाएंगे,
फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 नहीं डिवाइड होता ये, अब 3 पे डिवाइड होता है ये, 27, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास 1728 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, यानी 6 टाइम 2 दिया है और 3 टाइम 3 दिया है, ये 6 टाइम 2 लिख लिया, 3 टाइम 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे। इसका क्यूब रूट लेने के लिए इस ट्रिप ये ट्रिपलेट बन गया, ये बन गया, ये बन गया, टेक वन फैक्टर आउट ऑफ ईच ट्रिपलेट। तो इसमें से ये हमने वन फैक्टर बाहर ले लिया, इसमें से भी बाहर ले लिया, इसमें से भी ले लिया, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इनकी, 2 टू द 4, 4 3 जा 12। तो ये 1728 का क्यूब रूट 12 आ जाएगा। अब देखो 12 का क्यूब रूट क्यूब क्या होता है, 1728 सबको पता है। तो जब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड किया है 1728 का, तो वो क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से ये क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216000। तो 2,16,000 है ये, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स देखिए, 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 नहीं गया, नहीं जाने के लिए 0, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे जाता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे जाता है, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14, फिर 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है ये, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है ये, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब ये नंबर जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, अब ये 3 पे डिवाइड होता है या 5 पे होता है। हम 5 से भी कर सकते हैं इसको, 3 से भी कर सकते हैं। क्यों 3 से क्यों होगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम क्या आता है, 3 का मल्टीपल आता है, 3 3 6, 6 प्लस 7 13, प्लस 5 18, यानी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 18 जो है 3 का मल्टीपल है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 10, 3 पे फिर इसको डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 2 बच गए, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15, फिर 3 पे होता है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब ये 125 5 पे होता है, 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25, फिर 5 1 द 5। तो इसके 2,16,000 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 6 टाइम तो 2 आ गया, 3 टाइम 3 आ गया, 3 टाइम 5 आ गया। तो 6 टाइम 2, 3 टाइम 3 और 3 टाइम 5 हमने लिख लिया। तो अब ट्रिपलेट बना लिए इसके, ये बना लिए। तो 2,16,000 का हम क्यूब रूट लेंगे, इस ट्रिपलेट में से वन फैक्टर लेंगे, इसमें से भी वन लेंगे, इसमें से भी वन लेंगे, इसमें से भी वन लेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 5, तो ये इनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 2 2 द 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारे पास 2,16,000 का क्यूब रूट आ जाएगा, 60। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट इसका, 21,952। तो इसके भी हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 पे डिवाइड होता है ये पहले, फिर 2 पे होता है, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर ये हमारे पास 343 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 343 ना 3 पे होता है, 7 का क्यूब है ये, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 द 28, 7 9 द 63, फिर 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 21,952 के। क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम 2 है और 3 टाइम 7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो ट्रिपलेट बना लिए हमने, 2 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट और 7 का ट्रिपलेट। तो जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो इस ट्रिपलेट में से वन फैक्टर आ जाएगा, इसमें से भी वन आ जाएगा, इसमें से भी वन ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो 21,952 का
जो क्यूब रूट आया है वो क्या आएगा, 28। क्या आएगा, 28। तो इस तरह से ये हम क्यूब रूट जो है फाइंड कर लेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स का क्यूब रूट नेगेटिव में दिया हुआ है। जैसे हमने नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड किया था, -2 का क्यूब जो होता है -8। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव टर्म ही होती है, पॉजिटिव का क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव टर्म होती है। ये हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। ऐसे ही क्यूब रूट जो होगा, क्यूब रूट नेगेटिव, इंटीजर का क्यूब रूट नेगेटिव में ही आएगा। तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ -1728 फाइंड करना है, तो इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1728 का क्यूब रूट। तो इसका वही प्राइम फैक्टर्स करो इसके 1728 के, ये हमने कल पहले भी किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये हमारे पास देखिए 1728 के 6 × 2 आ गया और 3 × 3 आ गया। तो जब इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ये ट्रिपलेट बना लिया, ये ट्रिपलेट बना लिया, ये ट्रिपलेट बना लिया। तो ये वन फैक्टर यहाँ से आ गया, वन यहाँ से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ -1728 फाइंड करना है, तो माइनस बाहर ले लिया तो क्यूब रूट ऑफ 1728 बच गया। तो इसका क्यूब रूट क्या आया है, 12। इसका क्यूब रूट क्या आया है, 12। तो -12 जो है हमारा इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो नेगेटिव टर्म का क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव टर्म का क्यूब नेगेटिव, ये हमने पहले कल भी पढ़ा है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, देखो -27,44,000 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम 27,44,000 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास 6 × 2 आ जाएगा, 3 × 5 आ जाएगा और 3 × 7 आ जाएगा। तो ये हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7। यानी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 2 है, 3 × 5 है और 3 × 7 है। तो 6 × 2 लिख लिया, 3 × 5 और 3 × 7। अब ये ट्रिपलेट बना लिए हमने, ये बना लिए ट्रिपलेट। हमने क्या लेना है, इसका क्यूब रूट लेना है। तो इस ट्रिपलेट में से वन फैक्टर आ गया, इसमें से वन आ गया, इसमें से वन आ गया, इसमें से, इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 5 और 7 यहाँ से। तो 2 × 2 = 4, 5 = 20, 27 = 140। तो ये 140 इसका क्यूब रूट आ गया। तो नेगेटिव टर्म का हमने लेना है तो -140 आ जाएगा क्यूब रूट। तो इस तरह से ये हम नेगेटिव टर्म का भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, देखो 4,74,552 है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास देखो 2, 3 × 2 आ गया, 3 × 3 आ गया और 3 × 13 आ गया। हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 13 × 13 × 13। तो ये आ गया हमारे पास, इसका क्यूब रूट लेना है। इसका क्यूब रूट क्या आएगा हमारे पास, ये ट्रिपलेट बना लिया, 2 का ट्रिपलेट बनता है, 3 का ट्रिपलेट बनता है, 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो इसका क्यूब रूट लेना है, तो इस ट्रिपलेट में से 2 1 फैक्टर ले लेंगे, इसमें से 1 फैक्टर ले लेंगे, इसमें से 1 फैक्टर ले लेंगे। तो 2 × 3 × 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 78। तो क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव टर्म का हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, -78। तो इस तरह से ये क्यूब रूट जो है हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है इसका। अब देखो 5,000 - 5,832 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हमने 5,832 का क्यूब रूट फाइंड किया था, अभी 18 आया था। तो नेगेटिव टर्म है तो माइनस लगा देंगे इसके साथ। तो 5,832 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये आगे 3 × 2 आ गया और 6 × 3 आ गया। तो ये लिख लिए हमने, 3 × 2 लिख लिया, 6 × 3 लिख लिया, ट्रिपलेट बना लिए, ये ट्रिपलेट बन गया 2 का, ये 3 का, ये 3 का। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो इस ट्रिपलेट में से ईच टर्म क्या आ जाएगी, ईच 1 फैक्टर ले लेंगे हम, 1 फैक्टर ले लेंगे, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से,
टू थ्री दस सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। और जब नेगेटिव टर्म का लेंगे हम क्यूब रूट तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस 18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे।